हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। दोस्तों, मेरे वीडियोस और रिव्यूअर्स से लेट इसलिए आते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि आप 15 मिनट में किसी टीवी का प्रॉपर रिव्यू नहीं दे सकते हैं। किसी भी टीवी के प्रोज और कॉन्स जानने के लिए आपको कम से कम उस टीवी को एक हफ्ते के लिए प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं आपके लिए व्यू सिनेमा 43 इंचेस फुल HD एंड्रॉइड स्मार्ट LED टीवी का अनबॉक्सिंग से लेकर एक हफ्ते के यूसेज के बाद तक का इनडेप्थ रिव्यू लेकर आई हूँ। साथ ही साथ आज मैं आपको इसका हाई ग्राफिक्स पे गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करके दिखाऊंगी। ये टीवी गेमिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। टीवी प्रोग्राम्स एंजॉय करने के साथ साथ आप इसको एक मॉनिटर की तरह यूज करके इस पे आराम से गेमिंग, इंटरनेट सर्फिंग और वीडियो एडिटिंग के साथ साथ वर्ड या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू ऑफिशियल वर्क भी कर सकते हैं। इस टीवी की परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर इस टीवी की डिटेल्स, अवेलेबिलिटी और करेंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस टीवी के साथ आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको ब्लैक शाइनी फिनिश में टेबल टॉप स्टैंड के ये दो पीसेस मिलते हैं। इसके अलावा दो AAA बैटरीज, एक रिमोट, ऑडियो वीडियो केबल और ये वॉल माउंट दिया गया है। रिमोट में गूगल असिस्टेंट के साथ साथ यूट्यूब, Amazon प्राइम, हॉटस्टार और गूगल प्ले के डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं। रिमोट पकड़ने में काफी कंफर्टेबल है और इसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, जिसे ब्लैक और गोल्ड डुअल टोन फिनिशिंग दी गई है। 43 इंचेस फुल HD व्यू सिनेमा एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी लुक वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी डिसेंट है। कंपनी का कहना है कि इस टीवी को इतना स्लिम बनाने के लिए इसे रोबोट से असेंबल करवाया गया है। तीन तरफ से ये टीवी बिल्कुल ही बेजललेस है, जिससे ना ही ये टीवी देखने में अच्छा लगता है बल्कि आपको टीवी देखते समय एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। नीचे की ओर इस टीवी में एक स्लिम फ्यूज्ड इन डेडिकेटेड साउंड बार दिया गया है, जिसका डिजाइन आकर्षक है। साउंड बार के राइट हैंड साइड में डॉल्बी ऑडियो का लोगो है। साउंड बार के ऊपर एक गोल्ड लाइनिंग दी गई है जो इस टीवी के ओवरऑल लुक्स को इनहांस करती है। बस इस टीवी का प्लास्टिकी टेबल टॉप स्टैंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो इतने बढ़िया डिजाइन के टीवी के साथ जस्टिस करता नहीं दिखा। अगर कंपनी ने बीच में एक सिंगल पीस स्टाइलिश स्टैंड दिया होता तो वो इस टीवी को बहुत ही बढ़िया लुक इम्पार्ट करता। इस टीवी में 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं, साथ में है बिल्ट इन सिंगल बैंड वाईफाई। इसमें आपको HDMI ARC और HDMI CC दोनों ही दी गई हैं। 2 HDMI और 1 USB पोर्ट नीचे की ओर दी गई है, जहाँ एक इथरनेट पोर्ट भी है। इस टीवी में हाई ब्राइटनेस वाला A+ ग्रेड IPS पैनल लगाया गया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 400 निट्स है। हाई ब्राइटनेस और IPS पैनल होने की वजह से आप डे लाइट में भी इस टीवी को कंफर्टेबली देख सकते हैं। इस टीवी में अडैप्टिव ल्यूमा कंट्रोल और डिजिटल MPEG नॉइज रिडक्शन फीचर्स दिए गए हैं, जो कंपनी के अकॉर्डिंग डिटेल्स में क्लियरिटी लाकर पिक्चर क्वालिटी को इनहेंस करते हैं। तो चलिए अब इसका रियल पिक्चर परफॉर्मेंस चेक करते हैं। स्विच ऑन होने के बाद इस टीवी पे आपको एक म्यूजिक सुनाई देती है और व्यू ऑफिशियल एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी लिख कर आता है। मैं ये टीवी एक हफ्ते से लगातार चला के देख रही हूँ, इसलिए इसके परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। क्योंकि इसमें VA पैनल नहीं है, इसलिए इसमें आपको ब्राइट और विविड कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है। ब्लैक्स VA पैनल इतने डीप तो नहीं, लेकिन काफी अच्छे हैं और कलर रिप्रोडक्शन नेचुरल और रियलिस्टिक है। जिन्हें विविड कलर्स ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें ये टीवी काफी पसंद आएगा। पिक्चर्स में शार्पनेस भी अच्छी मिलती है और डिटेल्स में काफी क्लियरिटी है। वैसे सेटिंग्स के थ्रू इस टीवी में आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। इस टीवी में 6 मोड्स प्रीसेट होकर आते हैं। इसके अलावा आप यूजर मोड में इस टीवी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू एप्लीकेशंस में वीडियो देखते हुए भी आप साउंड और पिक्चर सेटिंग्स कर सकते हैं। USB मोड में भी पिक्चर सेटिंग करने की सुविधा इस टीवी पे उपलब्ध है। कुछ लोग मुझसे आकर कहते हैं कि आप बैकलाइट ब्लीडिंग टेस्ट करके क्यों नहीं दिखाती, तो
तो मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये टेस्ट कुछ नहीं बस एक फॉर्मेलिटी होता है, क्योंकि बैकलाइट ब्लीडिंग किसी भी स्टेज पे आपके एलईडी बैकलिट टीवीज में आ सकती है। जरूरी नहीं है कि खरीदते टाइम ही वो उस पे दिखे। मैंने हाल ही में एलजी के 3 मॉनिटर्स लिए थे, लेकिन तीनों में मुझे ये प्रॉब्लम शुरू में ही नजर आ गई। आईपीएस पैनल टीवी में थोड़ी लाइट स्क्रीन के कॉर्नर्स पे दिखाई देती है, जिसे आईपीएस ग्लो कहा जाता है और जिसे किसी भी आईपीएस स्क्रीन टीवी या मॉनिटर पे टोटली अवॉइड नहीं किया जा सकता है। वैसे भी हर एलईडी बैकलिट टीवी, चाहे वो आईपीएस हो या फिर वीए पैनल वाला, उसमें किसी न किसी स्टेज पे बैकलाइट दिखाई ही देती है। 1080p की वीडियोस इस पे काफी अच्छी दिखती हैं। और 720p की वीडियोस इस टीवी पे डिसेंट दिखती हैं। जिन लोगों को एसडी चैनल्स देखने का शौक है, वो भी इस फुल एसडी टीवी के परफॉर्मेंस से खुश होंगे। इस टीवी के साथ एक्टिव वॉइस रिमोट आता है। आप सिर्फ एक वॉइस कमांड से भी कुछ कंपैटिबल एप्लीकेशंस और वीडियोस खोल पाएंगे। इसका वॉइस कमांड फीचर हाईली रिस्पॉन्सिव है, जो तुरंत कमांड्स को फॉलो करता है। इस टीवी में आपको क्रिकेट, पीसी और गेम मोड तीनों ही दिए गए हैं। क्रिकेट मोड के थ्रू आप मैचेस देखते समय क्रिकेट बॉल पे अच्छे से नजर रख पाएंगे। इस टीवी में 40 वॉट्स के स्पीकर्स दिए गए हैं, जिनमें मास्टर स्पीकर्स के साथ साथ ट्वीटर्स भी शामिल हैं। इस टीवी में डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस और डॉल्बी पल्स तीनों का सपोर्ट दिया गया है और साथ में है सराउंड साउंड। फुल एचडी कैटेगरी के किसी भी टीवी में आपको इतनी बढ़िया ऑडियो सुनने को नहीं मिलेगी। ऑडियो लाउड और क्लियर है, जो एक बड़े हॉल के लिए भी सफिशिएंट है। सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। Daddy, that's grandma's suitcase. Hide it. I don't want her to go to New York. सेटिंग्स में आपको डॉल्बी ऑडियो को स्विच ऑन करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस टीवी का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, लेकिन क्योंकि स्क्रीन साइज छोटी है, इसलिए फास्ट एक्शन सीन्स में बड़े स्क्रीन के मुकाबले मोशन ब्लर ज्यादा नहीं दिखता है। PS4 या CPU के थ्रू गेमिंग करते समय आपको मोशन ब्लर बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गेमिंग कंसोल, CPU और एंड्रॉयड बॉक्स के थ्रू मोशन ब्लर काफी हद तक कम हो जाता है। इस टीवी के गेमिंग परफॉर्मेंस ने मुझे काफी प्रभावित किया। आप इस टीवी पे लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं। ये गेमिंग के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। मैंने इस पे लंबे समय तक गेमिंग की और मुझे इस पे गेमिंग करते हुए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिला। इस टीवी के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है। हाई सेटिंग्स पे भी मुझे एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिला। कोई जिटरिंग नहीं हुई और ना ही मुझे मोशन ब्लर की कोई शिकायत महसूस हुई। इसकी IPS स्क्रीन इसे मॉनिटर की तरह यूज करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त बनाती है।
इस टीवी का व्यूइंग एंगल बहुत ही बढ़िया है, साइड से और थोड़ा ऊपर नीचे से देखने पे भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं होते हैं। आप इस टीवी को मॉनिटर की तरह यूज करते हुए भी सर्फिंग या फिर वीडियो एडिटिंग भी कंफर्टेबली कर सकते हैं। मॉनिटर के लिए आपको ये सेटिंग्स करनी होंगी, बस इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। इस टीवी में 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया है, इसकी रैम 1GB है और इसमें स्टोरेज 8GB का दिया गया है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 9.0 पाई है। इस टीवी में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, यूट्यूब और गूगल प्ले जैसे लाइसेंस्ड एप्स दिए गए हैं। साथ में व्यू हेल्प एप्लीकेशन भी है, जहां आपको इस टीवी को समझने और सारे फंक्शंस को यूज करने की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है, जिसकी कनेक्टिविटी स्टेबल है। इस टीवी की खास बात ये भी है कि इसमें आईफोन से कनेक्टिविटी दी गई है। आप अपने आईफोन के कंटेंट्स को भी इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं। इस सिनेमा फुल एचडी टीवी में गूगल क्रोम कास्ट है, जिससे आप अपने फोन के कंटेंट्स को टीवी की बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस टीवी पे कास्टिंग बहुत ही स्मूथली होती है, चाहे वो पिक्चर्स हो या फिर वीडियोस। सिंगल बैंड वाईफाई होते हुए भी कभी मुझे इस टीवी पे सिग्नल प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। वाईफाई कनेक्शन फास्ट और स्टेबल रहा। इस टीवी की बीई रेटिंग 5 स्टार है और इसमें आपको इको मोड भी दिया गया है, जिससे बिजली की बचत होती है। ओवरऑल ये टीवी आईपीएस टीवीज की कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जिसे एक कंप्लीट पैकेज कहा जा सकता है। अच्छी ऑडियो क्वालिटी में वीडियोस तो देख ही सकते हैं, साथ में मल्टीटास्किंग भी कर पाएंगे। गेमर्स के लिए कम पैसों में ये टीवी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।